नमस्कार। ये जो मामला आप देख रहे हैं जो है कम से कम आज 13 दिन होगा। ग्राम सिंगार ब्लॉक बामोर थाना गुरसना है। ऐसा मामला कि इनके घर के अंदर नाम दर्ज रिपोर्ट होने के बाद व्यक्ति ने इनके घर के अंदर पूरे घर बारवे के लिए आए थे। ऐसी जाने कौन सी दुश्मनी नहीं है कि हाथ पे ऐसे नहीं लड़ पाते लोगों तो ऐसी दुश्मनी न कारण कुल मिला के इनकी ओमनी कार रहती बाघ पूरी खाक कर दी। चूंकि हमने से पहले आप लोगों को जो खबर दिखाई थी ग्राम सिंगार के अंदर मौजूद थे हम, एसओ साहब भी मौजूद थे, बाद टेम्पो ग्राम प्रधान मौजूद थे कुलदीप पटेल साहब। आपको बता दें इन्हें मजबूरन आज कप्तान साहब के पास आने पड़ो तो श्वास न मानो इनकी गंभीर समस्या है। वास्तव में ये बता इनसे पहले कछु हम बता दें आपको, मामला इस तरीके से विफल होगा कि आखिरकार दरोगा है जो इंचार्ज साहब है जो इनको मामला देख रहे हैं वे आखिरकार काम मनमानी कर रहे हैं। जब एसओ साहब ने कह दी मुकदमा लिखो, मुकदमा लिखने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई, तो आखिरकार मामला गंभीर हो चुका है। आज कप्तान साहब के पास आए अपने न्याय के लिए, मिला है क्या क्या आश्वासन मिला ये खुद बताएंगे। का नाम गुलाब नाम है हमारा सर, का नाम एसपी साहब ने सर पेश हुए थे, उनने बोला कि जेल भेजा जाएगा, कर्रवाई होगी। बोले कौन तारीख की घटना है? ये घटना 11 तारीख की है, 12 तारीख को हमने रिपोर्ट लिखी, अभी तक मुलजम को नहीं पकड़ा जा रहा है साहब। मुलजम ऐसे ही घूम रहा है, ऐसी दिन दहाड़े घूम रहा है, मुलजम को बिल्कुल नहीं पकड़ा जा रहा है। 12 कारदा धमकी दे रहा है, उसका भतीजा भी धमकी दे रहा था कि हमको राजीनामा कर लो नहीं तो 376 केस लगा देंगे। बताइए जिन्हें आग लगाई थी कार में, घर जलावे कोशिश करो तो उनके भज्जा भतीजे दे 1 लाख रुपया देवे के चक्कर में कह रहे राजीनामा कर लो। 1 लाख तो भाड़े में गई कि 2-2.5 लाख की इनकी उमनी थी, बाकी बात 40-50 हजार के पाई फटे, अनेक नुकसान होगा जो बताओ। फिर कहा भाई 1 लाख की बात आई थी, बात 1 लाख की आई थी, फिर कहना माने फिर 1 लाख दे, फिर माने उनने सोची के या किसी को दे दे माने उससे हो जाएगा। इसीलिए पैसा लेना चलेगा यार, हमें पैसा नहीं ले, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, पैसा की जरूरत नहीं हमें। बैठक भाई कब भाई थी बैठक? जब बैठक माने 14-15 तारीख को बैठक हुई थी। 14-15 तारीख को बैठक हुई। अच्छा, गांव के संपूर्ण लोग थे? पूरे गांव के वरिष्ठ लोग थे, हर कास्ट का लोग था, वरिष्ठ थे। अच्छा, प्रधान थे, पूर्व बना नए प्रधान सारे लोग थे। दो ही प्रधान थे? प्रधान जी क्या कह रहे थे? प्रधान जी कह रहे थे न्याय होगा, बोले न्याय हो। तो आकर कहा नहीं हो रहा, जो मुलजम गांव में घूम रहा कोई बाहर रिश्ते आ रही है, गांव में आ जात, बाहर भी चलो जात, बाहर भी चलो जात। तो आपको मामला गुरसरा थाना में दरोगा को देख रहा हूँ? दरोगा महेश कुमार देख रहा है साहब। महेश कुमार का के कछु तो कहते हैं जांच वाच करवे आए के नहीं है? जांच का हम ही को बुला उतरा तो वैसे ना उन्हें पकड़ा था ना कछु नहीं बोला। तुम का के दरोगा जी? हमसे का जो कागज ले आश्वासन दे रहा था, वैसे सिर्फ आश्वासन, वैसे तसल्ली मिला के प्लस आश्वासन कर रही। ऐसा का मामला, ऐसे अनेक मामले हैं उत्तर प्रदेश झांसी के अंदर कि आखिरकार इन मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो रही। फिर कहा ये आज कप्तान साहब का नेता कहीं साहब, कप्तान साहब ने जाकर इनके साहब के हम उसको कहना जेल भेजेंगे, हम माने कानून कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ, मुकदमा तो लग गया, मुकदमा धारा कौन कौन सी लगी? धारा 436-427। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस का नहीं पकड़ रही, आखिरकार का लग रहा हो तुम्हें, संशय कहाँ है आखिरकार? हमको संशय है कि साहब पैसा दे दे कछु, जब तो आई ना मेन बात की कुल मिला के जो लग रहा है पैसा उनने पटक दे, पैसा पटक दे, जब तो सुनाई नहीं हो रही साहब। अच्छा, अब देखो इनके पिताजी मौके पे मौजूद हैं जो पूरी घटना बताए। दादा आगे आ जाओ, दादा कहा है पूरी घटना भाई? हो आपने पूरी घटना ये है कि इस पर टेम्पर पंचायत में माने सब लोगों ने कहा भी था, तो वो प्रधान भी उनके फेवर में बोल रहे थे धीरन के जी मेरे साथ था, माने के चलो तो नए प्रधान ने माने के चलो बुलाया उनकी घरवाली को, जो रात में कहाँ था तो उसने उसकी घरवाली ने बताया कि घर पर थे, और मैं अपने पुराना प्रधान फेवर कर रहा था, कह रहे थे मेरे साथ खेत पर थे। अच्छा, हाँ, तो काय फेवर कर रहा है, काम वाम करते कौन करे? वो उनके यहाँ ट्रैक्टर चलाता है, उसका काम धंधे का मजदूरी करता है। अच्छा, जी आई पूरी सामने तोड़ मड़ोड़ के जा सच्चाई आएगी। आकर का जो पूर्व प्रधान ग्राम सिंगार के अंदर है बेबी पटेल साहब है उनके खरे जिन्हें आग लगाई, वे काम धंधा करते सो उनको फेवर कर रहा है, ये पूरी पंचायत? जय पंचायत सब लोगों के सामने कहा था, उनने सब लोगों ने उनकी घरवाली को बुलाया था, तो उनसे कहा था तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, उसी घरवाली के लिए घर पर था, घर पर था, तो रह गए माने सब लोगों के सामने, वो ही लोग मदद कर रहे हैं उनकी कभी। अच्छा भाई, पूर्व प्रधान मदद कर रहे हैं? पूर्व प्रधान मदद कर रहे हैं। वर्तमान प्रधान क्या कह रहे हैं? वर्तमान प्रधान ने तो कहा था, आश्वासन दिया था, उन्हीं ने उनकी घरवाली को बुलाया था। अच्छा, कि हकीकत का पता अब चलेगा कि क्या है हकीकत। अच्छा, उन्होंने बुलाया तो उसी घरवाली ने कहा नहीं घर पर लेटे थे। तो दरोगा जी मामला देख रहे हैं, बेका कह रहे थे? अब ये कह रहे थे कि कानूनी पकड़ेंगे, बोले अब एक बार आए थे, बोले उसका ताला लगा है, हमसे बोले तुम मदद करो, हमने की तो आप मेरे पास आओ, मैं लोकेशन दे आपको, मान के तो आप पकड़ो उसको।